वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में इसके टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता क्या है। तो जनरली जब भी हम किसी फॉर्मेट की बात करते हैं तो फॉर्मेट क्या होता है, एक लेआउट जिसमें प्रॉपरली या एक प्रॉपर सिंटैक्स जिसमें हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एक प्रीडिफाइंड फॉर्मेट। तो वैसा ही है यहाँ पर। तो इसमें कुछ बिट्स होती हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन के। तो यदि हम बात करें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की, तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑपकोड। ऑपकोड मतलब होता है ऑपरेशन कोड। हम किस ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या मूवमेंट करवाने वाले हैं, सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो वो वाला जो पार्ट रहता है उसको कहते हैं हम ऑपकोड। दूसरा पार्ट होता है एड्रेस का। तो एड्रेस के केस में हो सकता है कि हम किसी मेमोरी लोकेशन पर कोई डेटा है उसमें कुछ ऑपरेशन करवा रहे हैं, या फिर हम इसको ऑपरेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑपरेंड मतलब आप ये जो ऑपरेशन है वो किसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हो वो। ठीक, तो ये जो हैं ये इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के। तो सबसे पहले आज हम जिससे शुरू करने वाले हैं वो है हमारा थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो जैसे यहाँ पर एक ही एड्रेस दिया हुआ है मतलब एक ही ऑपरेंड है, पर अभी हमारे पास में जब हम बात कर रहे हैं तो ये कितने एड्रेस कह रहे हैं हम, थ्री एड्रेस। इसका मतलब एक इंस्ट्रक्शन में तीन ऑपरेंड्स होंगे। तो हम यहाँ पर इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें जो है ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई करवाना है आपको सी प्लस डी की जो वैल्यू है उसमें, और स्टोर किस में करना है, एक्स में। ठीक है, तो यदि मैं ऑपकोड लिखूं तो सबसे पहले देखो हम सभी जो हैं ऑलमोस्ट मैथ्स के स्टूडेंट हैं, है ना, तो हमने एक चीज़ पढ़ी होगी स्कूल में, सभी ने पढ़ा है बॉड मास, जिसमें क्या होता है सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं यदि कोई एक्सप्रेशन दी हुई हो तो, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है वो सॉल्व होगा। ठीक, जब ब्रैकेट सॉल्व होंगे मतलब पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये वाला सॉल्व होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर डिवीजन को प्रेफरेंस मिलेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर आपका एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करना मतलब क्या करना है, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो हमने लिखा ऐड, किसको ऐड करना है, ए और बी को। अब इनको ऐड करके कहीं थर्ड लोकेशन पे सेव करना है, तो हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, एक है आर वन एंड दूसरा है आर टू। ये हमारे प्रोसेसर के इनबिल्ट रजिस्टर हैं, इनके ऊपर वो डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि एक रजिस्टर में हम इन दोनों का एडिशन सेव कर दें, दूसरे रजिस्टर में हम इन दोनों का एडिशन सेव कर दें, फिर हम इन दोनों रजिस्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सेव कहाँ कर देंगे, एक्स पर। ठीक है, तो मैं लिख दूँ एड आर वन ए कॉमा बी, तो क्या होगा, ए और बी दोनों ऐड होंगे और स्टोर किस में होगा, रिजल्ट एड के बाद जो आपने लिखा है आर वन मतलब आर वन में। तो ये तो हम प्रोग्राम इधर लिख रहे हैं, इसको समझने के लिए मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख रही हूँ कि इस वाले इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, आर वन में ए और बी हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि ये आपकी कोई एड्रेस लोकेशन पे डेटा रखा हुआ है ए और बी, तो ये जो डेटा था वो ऐड हो जाएगा और किस में सेव हो जाएगा, आर वन में। ऐसे ही अब ये सॉल्व हो गया, आप किसको करना है, सी प्लस डी को। तो हम फिर से लिखेंगे ऐड, ये जो ऐड है ये हमारा ऑपकोड मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, हालांकि कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनली इसके जीरो और वन के फॉर्म में होगा, पर यहाँ पर हम इसको जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है, वो है ऐड। अब आर टू में हम सी और डी को ऐड करवा दें तो अब क्या होगा, आर टू में आ जाएगा आपके पास में सी प्लस डी का जो भी रिजल्ट होगा वो आर टू में आ गया। अब क्या करना है अपने को, अब हमें को आर वन और आर टू को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट किस में सेव करना है, एक्स में। तो अब हम क्या लिख दें, मल्टीप्लाई का लिए जो निमोनिक है इसको कहते हैं निमोनिक्स। ठीक, निमोनिक्स मतलब हम उसको एडिशन को पूरा एडिशन ना लिखते हुए सिर्फ ए डबल डी लिखा है, मल्टीप्लिकेशन को पूरा ना लिखते हुए सिर्फ एम यू एल लिखा है, तो इसे कहते हैं हम निमोनिक्स, जिससे ये समझ में आता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है
एंड क्योंकि यहाँ पर एक दो तीन ऑपरेंड दिख रहे हैं आपको हर इंस्ट्रक्शन में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो चलिए हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, और सेव किस में करना है, X में। तो पहले उसको लिखते हैं जिसमें सेव करना है, और फिर उन दोनों को जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो X वाली लोकेशन थी इसमें आपका R1 और R2 मल्टीप्लाई होकर के आ जाएंगे। R1 और R2 क्या है, R1 है a+b, तो यहाँ लिख दूँ यदि a+b, और यहाँ लिख दूँ c+d, तो ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई वही वाली, और स्टोर किस में हो गया, एक्स में। तो ये था हमारा थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। एंड यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए, बहुत टाइम हो गया है कमेंट्स, है ना। चलिए, थैंक यू।